दीपक कई प्रकार के होते हैं, जैसे चांदी के दीपक, लोहे के दीपक, तांबे के दीपक, पीतल के दीपक तथा मिट्टी के दीपक व आटे से बनाए हुए दीपक। आओ जानते हैं कि कौन सा दीप किस लिए जलाया जाता है और कितनी बत्ती वाले दीपक को जलाने का क्या लाभ होता है। एक सामान्य दीपक इष्ट देव से निवेदन के लिए प्रज्वलित किया जाता है। किसी भी देवी देवता की पूजा हेतु गाय के शुद्ध घी तथा एक फूल बत्ती या तिल के तेल का दीपक आवश्यक रूप से जलाना चाहिए। भगवती जगदम्बा दुर्गा देवी की आराधना के समय एवं माता सरस्वती की आराधना के समय तथा शिक्षा प्राप्ति के लिए दो मुखों वाला दीपक जलाना चाहिए। गणेश भगवान की कृपा पाने के लिए रोजाना 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। किसी भी केस या मुकदमे को जीतने के लिए भगवान के आगे 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे कार्तिकेय भगवान प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाले दीपक जलाने चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य रूप से करना चाहिए। शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए घी या सरसों के तेल का 8 या 12 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दशावतार की पूजा हेतु 10 मुख वाला दीपक जलाएं। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके समक्ष रोजाना 16 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। किसी भी प्रकार की साधना या सिद्धि हेतु आटे का दीपक बनाना चाहिए, क्योंकि इसे ही पूजा करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए रोजाना घर के देवालय में घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। आश्रम तथा देवालय में अखंड ज्योत जलाने के लिए भी शुद्ध गाय के घी का या तिल के तेल का उपयोग करना चाहिए। शत्रुओं से बचने के लिए भैरव जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों का दीपक जलाते हैं। शनि ग्रह की आपदा से मुक्ति हेतु तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। पति की लंबी आयु की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए घर के मंदिर में महुए के तेल का दीपक जलाना चाहिए। राहु और केतु ग्रहों की दशा को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। संकट हरण हनुमान जी की पूजा करने के लिए तथा उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसके लिए 3 कोनों वाला दीपक जलाना चाहिए। इष्ट सिद्धि के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक गहरा और गोल दीपक प्रज्वलित करें। शत्रुओं से बचने या किसी भी आपत्ति के निवारण के लिए मध्य से ऊपर की ओर उठे हुए दीपक का प्रयोग जलाने के लिए करना चाहिए। पति की लंबी आयु की कामना के लिए पत्नी को प्रत्येक दिन नियम से 1 मुखी गिलोय का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से पति को दीर्घायु प्राप्त होती है और पत्नी पर भी ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तो ये थे दीपक प्रज्वलित संबंधी कुछ नियम। आप भी दीपक प्रज्वलित कीजिए और लाभ उठाइए। जय सियाराम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।